वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी चल रहा है वेडिंग सीजन, मतलब बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है। आपकी हो ना हो, लेकिन हो सकता है आपकी जान पहचान रिलेटिव कजन या किसी न किसी की शादी हो ही रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको वेडिंग सीजन के टाइम पे काफी काम आएगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या है। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट चीज जो मेरे पास है वो है दिस पिंक शरारा सेट। एंड ओह माय गॉड, आई जस्ट रियली लव दिस पिंक सेट। मतलब कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे हाँ गाइज, आज की सारी चीजें मैंने ली है फ्लिपकार्ट से, और आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट है इंडिया का फैशन कैपिटल। तो मुझे ये जो पिंक शरारा सेट है ये काफी ज्यादा प्रिटी लगा। एक्चुअली इसका जो कलर है ना वो मेरे लिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इसकी जो क्वालिटी है ना ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। एंड जस्ट लुक एट दिस फ्लेयर, फ्लेयर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लेयर हो तो कि आप ज्यादा पहन ना पाओ, और या फिर इतना कम भी नहीं कि लगे ही ना कि फ्लेयर है। एंड जस्ट लुक एट। और फ्लिपकार्ट पे क्या होता है ना कि अगर आप ऑर्डर करो, कुछ शॉपिंग करो, आपको पसंद ना आए तो आप इजीली रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे हैसल फ्री रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी है, तो काफी अच्छा रहता है। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वी हैव दिस शर्ट एंड लॉन्ग स्कर्ट सेट। आई थिंक ये ना इंडो वेस्टर्न लुक जो होता है ना काफी ज्यादा ट्रेंडी है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली ये शर्ट है ना ये प्रिंटेड है, तो मतलब ये आप ये अलग से भी स्टाइल कर सकते हो। आप मान लो ये स्कर्ट नहीं पहनना है या फिर अलग अलग कुछ पहनना है, तो भी इसके साथ काफी सारी चीजें सूट करेगी। तो मुझे ये शर्ट जो है ये मेनली बहुत अच्छा लगा, ब्राउन स्टाइल स्कर्ट शर्ट है, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसका जो फैब्रिक है इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हाँ गाइस, फ्लिपकार्ट पे ना जितनी भी चीजें मिलती है वो दे ऑल आर फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, और सारी चीजें ना फ्लिपकार्ट के 6 क्वालिटी चेक से गुजरती है, इसलिए आपको क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नेक्स्ट आई हैव दिस साड़ी, नॉट सॉरी बोलते हैं ना इसे, साड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड आई एम लविंग दिस येलो साड़ी, एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना अच्छा है ना। आई लव दिस प्रिटी कलर, कितना अच्छा कलर है ये। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये मैं सोचा था कि मेरी मम्मी पे काफी ज्यादा प्रिटी लगेगा, इसलिए मैंने अपने मम्मी के लिए मंगवाया है। आप मुझे कमेंट बताओ कि आपको क्या ऐसा वेडिंग सीजन में आप हो कि अपने फ्रेंड की शादी में भी साड़ी पहनते हो। कितने लोग होते हैं जो कि हमेशा पहनते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ज्यादा साड़ी पहना नहीं है, बट मैं सोचूंगी कभी मौका लगेगा तो पहनूंगी, आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। एनीवे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आई हैव दिस येलो कुर्ती सेट, और सबसे अच्छा मेन अट्रैक्शन क्या है इसका पता है? एंड लुक एट दिस प्लाजो, ओ माय गॉड आई लव दिस मिरर वर्क। एक्चुअली ये मिरर नहीं है, वो जो आता है ना फॉल्स मिरर होता है ये वो है, तो ये क्या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे। जो ओरिजिनल मिरर से होते हैं ना पीस ले लगे, उससे ज्यादा कंफर्टेबल ये होता है, क्योंकि उसमें ना वो क्या लगने का चांसेस होता है, तो वो मुझे सच में पसंद नहीं है। बट ये मिरर का लुक भी दे रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें ना कुर्ता पूरा प्लेन है, बस ये नेक पे ना नेक पे ऐसा बना हुआ, तो ये मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लगा। तो ये क्या है ना, आपको ऐसा फंक्शन हो, हल्दी वल्दी ऐसा कुछ फंक्शन हो उसमें भी आप पहन सकते हो, ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइज, आज के लिए मेरे पास जितनी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। सो यू कैन कॉल इट अ मिनी व्लॉग, ये क्या है ना अभी ये जो टाइम चल रहा है उस टाइम पे ज्यादा वेडिंग्स होते नहीं है, और जो भी होते हैं इस टाइम पे हमें अच्छी चीजें स्टॉक अप रखनी चाहिए। क्या पता कब क्या मौका लग जाए, क्या पता भगवान पे मेहरबान हो जाए और ये सारी चीजें ठीक हो जाए अचानक से। एनीवेज आई जस्ट होप कि सारी चीजें ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। और हाँ गाइज, आपको ये सारी चीजें फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे रेट से मिल जाएगी, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगी, तो आप चेक जरूर कर लेना। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी चेक कर लेना। और ऑब्वियसली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मुझे मेरी आइडिया आपको दिखाई दे दूंगी। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, नमस्ते।